हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को भी एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है? क्या आप लोगों को भी टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम पता नहीं कैसा होगा, एग्ज़ाम में हम मतलब कि कैसे कर पाएंगे, नंबर कम आ गए तो क्या होगा, पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा? आपके दिमाग में बहुत सारे इमेजिनेशन चल रहे होंगे, सच बताना चल रहा है नहीं चल रहा दिमाग में? तो देखो, इसका एक जस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, जो सब स्टूडेंट के काम आएगा। देखो, जिस समय कोरोना का टाइम चल रहा था तो उस समय चारों तरफ कोरोना की न्यूज़, चारों तरफ कोरोना की बातें चल रही थी, तो बस मुझे कॉमन कोल्ड हुआ था और मैंने इमेजिनेशन कर लिया था कि भाई मुझे कोरोना ना मतलब मुझे कोरोना हो गया है, मतलब मेरे गले में प्रॉब्लम सी हो रही है, या मुझे मतलब जितने भी सिम्टम्स मुझे लग रहे थे, मैंने कॉमन कोल्ड को भी क्या इमेजिनेशन कर लिया था, कोरोना को इमेजिनेशन कर लिया था। और मैं उस दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया था, ठीक है ना। और अगले दिन मैंने क्या काम किया, मैंने इमेजिनेशन करना बंद कर दिया। जैसे इमेजिनेशन करना बंद कर दिया, बिल्कुल एकदम नॉर्मल में। तो इससे आप लोगों को पता चल चुका होगा कि किसी भी चीज़ का डर उस चीज़ से कहीं ज़्यादा होता है जिस चीज़ को लेकर आप बैठे हुए हैं, जिस चीज़ का डर आपके मन में बैठा हुआ है। तो अगर आप लोग एग्जाम से पहले डर रहे हैं कि क्या होगा कैसा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो डर है ना, ये डर अपने अंदर से निकालिए। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, हर एक चीज़ को आप समझ रहे होंगे, प्रश्न की भाषा को अच्छे से समझना होगा आप लोगों को, प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ के उससे संबंधित क्वेश्चन आपको लिखने होंगे। और आपके हाथ में जब पेपर आएगा, तो पेपर मिलने के 10 से 15 मिनट बाद जब पेपर को पढ़ लेंगे ना, तो आपके अंदर का जितना भी डर है वो सब खत्म हो जाएगा। बस ये है कि आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। ये सबसे बड़ी आप लोगों के लिए खुद से चुनौती है कि आपका एग्जाम आ चुका है और एग्जाम के टाइम में हर एक बच्चा जो होगा वो टेंशन में होगा, हर एक बच्चा माइंड में एक प्रेशर सा होगा, और इस समय आप लोगों को माइंड को रिलैक्स कराना है। अगर आप ऐसा करा पाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जब हमारा मन अशांत होता है ना, तो जो प्रश्न हमसे आता है, जो हमारा दिमाग जितना तेज चलना चाहिए उतना नहीं चल पाता। और आपने भी ये गौर किया होगा कि अगर आपके माइंड में टेंशन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिमाग में हलचल मौजूद है, तो आपका जो दिमाग है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग सकता। आप अच्छे तरीके से कब पढ़ पाते हैं, आपने साथ गौर किया होगा, आप अच्छे तरीके से तब पढ़ पाते हैं जब आपका माइंड शांत होता है, तब आपका माइंड आपकी पढ़ाई में लग पाता है और पूरी एफिशिएंसी के साथ। जो चीज आपको समझ में तक नहीं आती, जब आपका माइंड शांत होता है, जब माइंड में मतलब कि नेगेटिविटी नहीं होती, उस चीज को भी आप समझ पाते हो। और ये वाली बात सब लोग बताते हैं कि मॉर्निंग में पढ़ाई करना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके पीछे का भी कारण यही है कि जब आप सोकर उठते हैं ना, तो उस समय आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिफ्रेश रहता है, आपके माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी चीजें नहीं होती। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपके मन में मतलब कि आपके दिमाग में वो चीजें आसानी से फीड हो जाती हैं। और दोपहर में जाकर शाम तक जाते जाते आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी टेंशन हो जाती है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पढ़ने के लिए बैठे, किसी का मैसेज आ गया, पढ़ने के लिए बैठे, दिमाग में कोई विचार आ गया, तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो आपको क्या काम करना है इस एग्जाम में जो आपका आज होने वाला है, पॉजिटिव आपको अपना दिमाग रखना है, मन को अपना शांत रखना है, ठीक है ना। जो होगा देखा जाएगा, आपसे जितनी मेहनत की जा सकती थी आपने प्रॉपर उतनी मेहनत की है, जितनी कर सकते थे आपने उतनी की है। और आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे यहाँ पर तो हमारे श्री कृष्ण भगवान भी कह चुके हैं कि श्री कृष्ण भगवान पता क्या बोलते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छे से की है, अब जो होगा देखा जाएगा। आपको ये नहीं सोचना कि एग्जाम में रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट वही आएगा जो आने वाला है, वही होगा जो होने वाला है। तो आप लोगों को पहले से टेंशन लेकर अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं डालनी है। मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, आप अपने तरफ से फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे ना, तो आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आराम से आप लोगों के हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आप उन्हें समझ भी पाएंगे जब आप रिलैक्स होकर जाओगे, ठीक है। हड़बड़ाहट के साथ आप लोगों को नहीं जाना। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी कमेंट के आधार पर आप लोगों को उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, जिससे यह कि एग्जाम आप लोगों का खराब नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं हर एक पेपर आप लोगों का बहुत अच्छे से हो और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बिल्कुल इस वीडियो में कोई भी आप लोगों को वैल्यू नजर आई हो, तो वीडियो को कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।